हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई क्या है भारत के हिंदुओं का दर्द? तिरुपति लड्डू कंट्रोवर्सी, पवन कल्याण। ओ ये हमने एक इस पे किया था वीडियो किसी एक चैनल के अंदर, एंड इट वाज शॉकिंग जब ये न्यूज़ पता चली थी। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर ऐसा कुछ जो सो कॉल्ड माइनॉरिटी है उसके केस में हुआ था तो देश में क्या हालत हुई होगी, होती तो आप सोच सकते हो। ये एक हिंदूज ही हैं जो हर चीज़ को जो है ना सह लेते हैं, उस टाइप से ना अपने देश के बारे में सोचते हैं कि भैया हमारे देश के हित के बारे में। पर एक्शन बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, मेक श्योर होना चाहिए कि इस टाइप की कोई भी हरकत जो है कोई ख्वाबों में भी ना सोच सके। अगर एक्शन स्ट्रिक्ट नहीं हुए और ऐसी चीज़ फिर से हुई तो समझ जाओ कि क्या क्या चल रहा है देश के अंदर। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले खबर आई कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो लड्डू का प्रसाद मिलता है उस प्रसाद में बीफ टैलो, फिश ऑयल और लार्ड मिला हुआ था। बीफ टैलो दरअसल जानवर की चर्बी होती है जिसे धीमी आंच पर पकाया जाता है। पकाने के बाद सिर्फ फैट रह जाता है जो घी जैसा ही दिखता है। इसी तरह टैलो भी सुअर की चर्बी होती है, उसे भी पकाया जाता है और पकाने के बाद जो बच जाता है वो भी घी जैसा लगता है। अब आप फर्ज कीजिए कि इस चर्बी मिले घी से बने प्रसाद को देश भर के लाखों हिंदू भक्तों को खिलाया गया। मतलब जो हिंदू उस रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाता जहाँ नॉनवेज बनता है, जो हिंदू नवरात्र में लहसुन प्याज तक नहीं खाते, कुछ तो पूरी जिंदगी में नहीं खाते। ऐसे आस्थावान हिंदुओं को प्रसाद में अगर गाय और सुअर की चर्बी मिलाकर खिला दी जाए तो इससे ज्यादा घिनौनी और घटिया हरकत और क्या हो सकती है। किसी ने जोमैटो से वेज खाना भी मंगवाया हो और उसमें नॉनवेज का एक पीस भी निकल आए तो पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाता है। मगर देश के सबसे अमीर मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी निकल आई और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मैं दावे से कहता हूं कि जिन लोगों ने ऐसा किया है अगर उनमें से किसी एक का भी बाल बांका हो जाए ना तो मुझे कह देना, किसी का कुछ नहीं होने वाला। इससे एक बार फिर से सवाल खड़ा होता है कि इस देश में हिंदुओं की आस्था की कोई कीमत है भी या नहीं। हिंदू मंदिर जा रहा है, उसे चर्बी मिला प्रसाद खिलाया जा रहा है, वो शोभा यात्रा निकालता है तो जिहादियों की भीड़ उस पर पत्थर बरसा देती है, वो वैष्णो देवी जा रहा है तो उसके बस पर गोलियां बरसाई जा रही है, उसे मार दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हिंदू धर्म को डेंगू और मलेरिया बुला रहे हैं, भगवान राम को काल्पनिक कैरेक्टर बताकर उनका अपमान कर रहे हैं। एक नेता राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहा है। तो आज अपने सबसे बड़े त्योहार दिवाली पर पटाखे नहीं जला पा रहा है क्योंकि पटाखे जलाने से धुआं फैलता है और उन लोगों को कोई कुछ नहीं कहता, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता जो हर साल 35 मिलियन टन पराली जलाकर पूरे नॉर्थ इंडिया की सांसें उखाड़ देते हैं। इन सब के बावजूद कुछ जाहिलों को लगता है कि देश में हिंदू कट्टरता बढ़ रही है और बाकी सभी माइनॉरिटीज खतरे में। क्या बात है बेशर्मो, उसकी क्या हालत होगी ये आप सोच भी नहीं सकते। मगर देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक में ये खुलेआम हो रहा है और नहीं पड़ रहा है, कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोग शिकायत करने वालों का ही मजाक बना रहे हैं। हालत ये है कि इस मामले पर जब आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम ने 11 दिन के प्रायश्चित पर जाने की घोषणा की तो एक्टर प्रकाश राज को उसमें नौटंकी नजर आई। प्रकाश राज ने ट्विटर पर लिखा है कि आप इस मामले को सेंसेशनल क्यों बनाना चाहते हैं, कम ऑन। मतलब स्टेट में इतनी बड़ी घटना हो गई, एक डिप्टी सीएम लोगों के सेंटिमेंट की रिस्पेक्ट करते हुए उनके साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और प्रकाश राज जैसों की चिंता ये है इस पर कि इस मामले के बहाने हिंदू फिर एक साथ ना आ जाए। क्या बात है, मतलब जब ऐसे ही लोग हमारे साथ हमारे अंदर रह रहे हैं तो फिर हमें किसी जाकिर नाइक की क्या जरूरत है। इसकी मूवी ही मत देखो। बॉस के पिछले एक साल में तिरुपति में भक्त लोग ये शिकायत कर रहे थे कि उन्हें लड्डू का जो प्रसाद मिल रहा है उसकी क्वालिटी खराब है, उन्हें डाउट था कि उसमें कुछ गड़बड़ की जा रही है मगर किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर इस साल जून में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, सीएम बनते ही वो प्रसाद के सैंपल को जांच के लिए गुजरात के एक लैब में भेज देते हैं। जांच हो जाती है, जांच में ये पता लगता है कि प्रसाद में जो घी इस्तेमाल हो रहा था उसमें जानवरों की चर्बी मिली हुई थी। खबर सामने आते ही पूरे देश में हड़कंप मच जाता। कहां से आ रहा सारा घोटाला कैसे हुआ, जब आपको उसकी वजह पता चलेगी ना तो आप अपना और मेरा दोनों का सिर फोड़ लेंगे। दरअसल सालों तक तिरुपति में लड्डू बनाने के लिए कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन की तरफ से सब्सिडाइज रेट पर तिरुपति मंदिर को घी दिया जाता था, मगर साल भर पहले उसने ये कह दिया कि इतनी सब्सिडी पर उसके लिए घी देना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद नया सप्लायर ढूंढने के लिए टेंडर निकालेंगे।
इसमें कुछ कंपनियां 320 रुपए किलो के हिसाब से घी देने के लिए तैयार हो गई। अब आप ही सोचिए, जिस घी का मार्केट वैल्यू कम से कम 500 रुपए किलो है, अगर कोई कंपनी उसे 320 रुपए में देने को तैयार हो रही है तो घी के नाम पर क्या ही दे रही होगी। ये बात एक चौथी फेल बच्चे को भी समझ में आ सकती है। नहीं तुम क्वांटिटी भी तो ज्यादा दे रहे हो तो फायदा तो ही जाता होगा। हैरानी ये है कि जिन तिरुपति बालाजी मंदिर की कुल संपत्ति 2.5 लाख करोड़ रुपए, जिसे हर साल 1500 करोड़ रुपए तो दान में मिलते हैं, वही तो, क्या वो मंदिर या उसे चलाने वाली सरकार उस मंदिर के प्रसाद के लिए 500 रुपए की घी खरीद सकती? वही तो। दूसरी बात जो सामने आ रही है वो ये कि मंदिर को जो मिलावटी घी मिलता रहा उसका इसलिए पता नहीं लग पाया क्योंकि मंदिर के पास मिलावट चेक करने वाली एक भी मशीन नहीं थी, जबकि इस तरह मिलावट चेक करने वाली मशीन 75 लाख रुपए में मिल जाती। अब ये बात भी हैरान करती है कि जिस मंदिर को हर साल 1500 करोड़ रुपए दान में मिलते हो, क्या वो इतने सालों में 75 लाख क्यों नहीं कर रही, अफोर्ड नहीं कर पाई, क्यों नहीं कर पाई? ढंग का घी आपको नहीं खरीदना, मिलावट पकड़ने वाली मशीन क्या कर रहे हैं इतने पैसे का, तो क्या 1500 करोड़ रुपए ले जाकर शार्क टैंक इंडिया में जज बनना है? हेलो, ये कौन कह रहे हैं कितने पैसे मिलते हैं, क्या करते हैं? गवर्नमेंट लेके बैठी हुई है, फैसला लेने वाली सरकार से पैसा जाकर है, वही ना, सरकारी कंट्रोल है ना उनके पैसों पे, सरकार का सरकारी कंट्रोल में रहने के कारण हिंदू मंदिरों का नुकसान हो रहा है। अगर मंदिर से जुड़े सारे फैसलों का हक भक्तों के पास होता, अगर वो मंदिर को चला रहे होते तो 2 पैसा बचाने के लिए ऐसा घिनौना काम कभी नहीं होता। इस हादसे के बाद एक बार फिर से डिबेट शुरू हो गई है कि भैया फ्री होना चाहिए टेंपल्स को, हिंदू मंदिरों का कंट्रोल हिंदुओं को क्यों नहीं दे देते, क्यों नहीं दे रही, वक्फ बोर्ड बना दिया, चर्च को मिले पैसे का क्या इस्तेमाल होगा ये ईसाई तय करेंगे, इन मस्जिदों और चर्चों में कौन मौलवी बनेगा, कौन पादरी होगा, जब ये सब कुछ मुस्लिम और ईसाई लोग कर सकते हैं, हिंदू क्यों नहीं कर सकता? सरकार ने सिर्फ मंदिरों पर ही अपना कब्जा क्यों रखा है, बताओ आखिर क्या वजह है कि सरकार मंदिरों को मिला सारा दान का पैसा खुद रख लेती है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के हिसाब से सरकार ऐसा नहीं कर सकती। मंदिरों पर सरकार का कब्जा है, इसीलिए मंदिरों से सर्विस टैक्स भी वसूला जाता है, कई मंदिरों से मंदिर को फीस के नाम टैक्स भी लिया जाता है, अवैध कब्जे भी हो चुके। अभी तो आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से किसी को छुड़ा लाना तो बहुत आसान है, मगर भारत में सरकारी जमीन पर एक बार कोई कब्जा हो जाए तो फिर उसे किसी का बाप भी नहीं छुड़वा सकता। क्यों नहीं करता? देश के सिर्फ करना चाहे कोई करेगा। 1,10,000 योगी जी ने किया नहीं? सरकार के कंट्रोल में तमिलनाडु जैसा स्टेट जहां की सरकार के बड़े लोग हिंदू धर्म को डेंगू और मलेरिया तक बोल चुके, उस तमिलनाडु सरकार के कंट्रोल में हिंदुओं के 36,000 से ज्यादा मंदिर और 56 मठ है। इसके अलावा तमिलनाडु में मंदिरों की 4,78,000 एकड़ जमीन भी सरकार के कंट्रोल में। केरल की वामपंथी सरकार जो धर्म को अफीम मानती है, उस वामपंथी सरकार के कंट्रोल में केरल के 3,000 वही पैसा खा रहे हैं मंदिरों का। सरकार का कंट्रोल होने से होता ये है बॉस कि सरकार ही डिसाइड करती है कि मंदिरों से होने वाली इनकम का उसे करना क्या है। करती क्या? अपने हिसाब से उस पैसे को कहीं भी खर्च कर सकती तो कहां करती है? लोगों का कहना है कि अगर इन मंदिरों से होने वाली आमदनी को हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में या उससे जुड़े विद्यालय बनाने में खर्च किया जाए तभी तो धर्म का असली भला होगा। बताइए, एक फैक्ट ये भी है कि जहां चर्च और मस्जिद के लिए बने बोर्ड में कोई हिंदू शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन मंदिर बोर्ड के मामले में ऐसा नहीं है। तारकेश्वर मंदिर के बोर्ड में एक मुस्लिम को भी शामिल किया गया, क्यों भाई? एक क्रिश्चियन को तिरुपति बोर्ड में भी रखा गया, क्यों भाई? पागल हो क्या? कंट्रोल क्यों नहीं छोड़ना चाहती? इस समय हम क्या करें पीपल ऑफ क्रेजी। सरकार को जिस जगह से भी पैसा आता दिखता है, जहां भी वो ताकत पावर देखती है वहां कब्जा करना चाहती है। इसमें बड़े बड़े मंदिरों की आमदनी तो इतनी है कि वो अपने स्टेट की किसी भी इंडस्ट्री से ज्यादा कमाते हैं, इसलिए सरकार उन पर कंट्रोल कैसे छोड़ दे? बिल्कुल नहीं। मगर हैरानी ये है कि बीजेपी हिंदुओं की इतनी बात करती है, उसने भी पिछले 10 सालों में हिंदू मंदिरों को सरकारी, बीजेपी को छुड़वा देना चाहिए मंदिरों को। लोग सवाल पूछते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी मंदिरों को सरकारी कंट्रोल में लाने के लिए 1959 में एक लेजिस्लेशन लाई थी तो क्या तब हिंदू सो रहे थे क्या? ओवरटर्न नहीं कर सकती? पागल है। बताइए, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि हिंदू मंदिरों पर सरकार की कब्जे की कोई जरूरत ही नहीं है और ऐसे कब्जे सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में तमिलनाडु के चिदंबरम के नटराज मंदिर को सरकारी कंट्रोल से निकालने का ऑर्डर दिया था। इसके अलावा पुरी के जगन्नाथ मंदिर मामले में जस्टिस बोबड़े ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि सरकारी अफसरों को मंदिर को चलाने की जरूरत क्या है। बिल्कुल, उस वक्त कोर्ट ने तमिलनाडु का एग्जाम्पल देकर क्लियरली ये बोला था कि वहां के मंदिरों से देवी देवताओं की इतनी अनमोल मूर्तियां इसलिए चोरी हुई क्योंकि मंदिरों पर सरकार का कंट्रोल।
अगर मंदिरों के एडमिनिस्ट्रेशन का राइट और उसका हक भक्तों के पास होता तो ऐसा कभी नहीं होता। ये बात किसी के भी समझ से परे है कि आखिर गवर्नमेंट का ये काम तो नहीं है ना भैया कि वो अपने सारे काम धाम छोड़कर ये बताने लगे कि किस बड़े मंदिर में कौन सा पंडित होगा, कितने बजे वहां पूजा होगी, तुम होते कौन हो? अरे गवर्नमेंट का लेने देना नहीं चलाने। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए तो ये सब चीज चेंज हो जाएगा। नेताओं को भी धर्म में नहीं घुसना चाहिए, सिंपल। ये सच में यार कभी कभी समझ में नहीं आता कि पूरी दुनिया में हिंदुओं का इकलौता घर होने के बावजूद भारत में हिंदुओं की हालत कांग्रेस ने किया और किसने किया? कांग्रेस ही सब काम की। अब दुबई का शेख आकर तो हमारी मदद करेगा नहीं। हेलो, काशी से लेकर मथुरा तक जहाँ मंदिर होने के साफ सबूत मिले हैं वो हम वापस नहीं कर पा रहे हैं, अपने ले ही नहीं पा रहे। हमारे मंदिरों पर सरकार का कब्जा है। रामनवमी से लेकर गणेश चतुर्थी तक एक एक धार्मिक शोभा यात्रा आप अपने ही देश में बिना पत्थरबाजी के नहीं निकाल सकते। आपके अपने ही नेता आपके धर्म को जातियों के नाम पर बांटने में लगातार लगे हुए हैं। आपके अपने ही नेता अपने ही धर्म को गालियां दे रहे हैं, इसलिए कंट्री के डाउनफॉल हो रहा है। मंदिरों में शुद्ध प्रसाद तक नहीं खाने को मिल रहा है। दूसरे धर्म के लोगों को अपने विचारों से प्रभावित करके उन्हें अपने साथ लाना तो दूर, आप तो अपनी बच्चियों को जिहादियों से भी नहीं बचा पा रहे। और इन सब के बावजूद नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि हिंदू तो पूरे भारत में घूम घूम कर हिंसा कर रहा है। अरे भाई कुछ भी बोल लो करने लगे तो पता चलेगा तुम्हें क्या होता। हिंदू तो बेचारा होने के अलावा कुछ है ही नहीं, है ही बेचारा, और उसे किसी और खत्म हो जाएगा। देश के सिस्टम ने बेचारा बना रखा है। जब से तिरुपति मंदिर के प्रसाद में चर्बी मिलने की बात सामने आई है ना दोस्तों, लोग इसका कंपैरिजन 1857 की क्रांति के टाइम अंग्रेजों की तरफ से कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी मिलाने से कर रहे हैं। बात है, उन्होंने कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिलाकर लोगों को बंदूकों से दूर, उससे भी ज्यादा है। आज के हमारे जयचंदों ने प्रसादों में चर्बी मिलाया है, ये तो प्रसाद में किया है, मंदिरों से दूर करना वो चाह रहे हैं। और अगर किसी को लगता है कि ये सब बात कोरी बकवास है तो उससे बड़ा मासूम और भोला कोई है ही नहीं। भोला नहीं, बाकी आपके हिंदुओं के इस विचार की पर कोई अगर राय है तो कमेंट करके जरूर बताना। आपके हिसाब से जिस किसी ने भी प्रसाद में चर्बी मिलाने की हरकत की है उसे क्या सजा मिलनी चाहिए, ये भी जरूर कमेंट करके बताना। इसके अलावा वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे जरूर शेयर करना, अपने हर एक दोस्त तक इस वीडियो को पहुंचाना, क्योंकि सच जानने का हक सबका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। पता नहीं किसी और का खून खोला कि नहीं खोला, मुझे तो ये सब न्यूज़ सुन के इतना खोलता है। गलती मैं किसकी बोलूं, अपनी है, हिंदुओं की है, जो इकट्ठे हो के अपनी राइट्स के लिए फाइट ही नहीं कर सकते, एक तो क्या बोला जाए। जब ये कांग्रेस ने ये बिल बनाया जिसमें तुम्हारे टेंपल्स जा रहे थे तो क्या सो रहे थे सारे हिंदूज? क्या सो रहे थे? तब क्यों नहीं बोले कि भैया क्यों मुस्लिम्स के लिए क्यों नहीं है ये लॉ, क्रिश्चियंस के लिए क्यों नहीं है, ये हिंदूज के साथ ही क्यों हो रहा है, ये क्या मतलब है? खड़े हो जाते लड़ते उसके लिए तो क्या? लोगों को बोलना अभी भी कर लो, अभी भी कर लो, आप गवर्नमेंट का कंट्रोल हटाइए टेंपल्स के ऊपर, टेंपल अपने आप से चलेंगे, आप छोटा मोटा देख सकते हैं क्या प्रोसेस कर रहे हैं। नहीं, जो तुम दूसरे रिलीजन के लिए करते हो वो ही होना चाहिए यहाँ पर। अगर तुम उधर देखते हो या कंट्रोल कर रहे हो तो वहाँ कंट्रोल करो, तो तुम टेंपल्स को कंट्रोल करो। अगर वहाँ नहीं हो रहा छोटा मोटा भी, तो तुम यहाँ पे भी छोटा मोटा नहीं कर सकते। टेंपल्स को कंट्रोल दो तो वो इतने आलीशान कर देंगे, इतनी बढ़िया कर देंगे, रोज लोगों के रहने की जगह करेंगे, स्कूल्स बनाएंगे, क्या बढ़िया करेंगे भैया, मजा आ जाएगा। वो तो ये है कि और प्रसाद भी अच्छा होगा, ठीक चेकिंग करके सब आएंगे, बोलेंगे अरे वाह यार क्या बढ़िया टेंपल है। मैं तो ये सोच रही हूँ हिम्मत कैसे हो रही है कि किसी ऐसी कंपनी ने ऐसे तेल दिया है, घी नाम से दिया है, और उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है? मुझे तो लगा था कोई एक्शन होगा, इस वीडियो को तो देखकर पता लग रहा है कि भैया कुछ हुआ ही नहीं, कोई शोर ही नहीं मचा देश में। हद ही हो गई यार, सोते रहो हिंदू सोते रहेंगे, देश में ये होता रहेगा। फिर बात करते हैं और कांग्रेस के सपोर्टर जो है ना, ये देख के बोलो भैया ये कौन हिंदू टेंपल्स को किसने कंट्रोल में, ये सब गंद वक्फ बोर्ड कौन लाया था लोगों को हिंदू टेंपल्स के लिए, ये किसने किया, ये सब कांग्रेस की देन है। देखिए जो लोग जो है जब बीजेपी को वोट देते हैं उनको खुद ही बोलना चाहिए कि आप ये भी अपने मैनिफेस्टो में डालिए, बोलना चाहिए बीजेपी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, नहीं होगा, इसके लिए करिए, और अगर आप इसको करवाते हैं तो वोट आपको दिया जाएगा। बिल्कुल, तो लोगों को ही बोलना है, बीजेपी को ही बोलते रहो, कंडीशन बीजेपी डालो, कांग्रेस को बोलो कि इसको हटाओ, नहीं कांग्रेस को बोलो वक्फ बोर्ड हटाओ तब तुमको वोट देंगे, बताओ बोल सकता है हिंदू? नहीं तो एक भी हिंदू कांग्रेस को वोट ना दे। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।